सभी दर्शक बंधुओं को मैं स्वागत करती हूँ। मैं प्रतिमा। आज वीडियो में हम जानेंगे पीयर प्रेशर क्या है और इससे बचने के लिए स्कूल छात्रों के लिए कुछ आसान उपाय। अक्सर किशोरावस्था में बच्चे अपने दोस्तों को, सहपाठियों को प्रसन्न करने के लिए कोशिश करते हैं। कभी कभी यह सहपाठियों का प्रभाव सकारात्मक होता है, जिससे ये बच्चा खेल से जुड़ी गतिविधियों में अधिक भाग ले या पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करते हैं और भी अच्छा करने का प्रोत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि उनका दोस्त ऐसे कर रहा है तो इसीलिए और आगे करने का कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी दोस्तों का गलत प्रभाव भी पड़ सकता है, जिसके कारण बच्चे गलत चीज़ों का शिकार बन जाते हैं। और अगर माता पिता बच्चों को इससे जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं तो उसका उल्टा असर होता है। तो ये पीयर प्रेशर से हम बच्चों को कैसे बचाएं और बच्चों को कैसे सिखाएं कि अपने आप इससे कैसे बचें, तो आज के वीडियो में हम इसको देखेंगे। चलिए, तो कक्षा में साथ में पढ़ने वाला बच्चा या पड़ोसी में साथ में खेलने वाला बच्चा सारे पीयर्स होते हैं और ये सारे बच्चों का प्रभावित कर सकते हैं। ये प्रभाव कभी अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है, लेकिन कभी कभी दोस्तों का गलत प्रभाव भी पड़ सकता है, जिसकी वजह से बच्चे गलत चीज़ों का शिकार बन जाते हैं। और अगर माता पिता बच्चा पर ज़बरदस्ती करते हैं या करने का कोशिश करते हैं तो उसका उल्टा असर होता है, या बच्चा आक्रामक हो जाता है या माता पिता से सारे बात छुपाने लगता है। सहकर्मियों के दबाव में तहत होने वाली नकारात्मक गतिविधियाँ इस प्रकार है: धूम्रपान या तंबाकू, हुक्का का सेवन करते हैं, शराब भी कभी कभी पीने का कोशिश करते हैं, ड्रग्स या मादक पदार्थ का उपयोग करते हैं, अभिभावक के बिना बताए स्कूल या कॉलेज से छोड़ देते हैं, क्लास नहीं करते हैं, परीक्षा में नकल करते हैं, डेटिंग या वयस्क संबंधों में शामिल हो जाते हैं, फैशन टिप्स अपनाने का कोशिश करते हैं, दूसरे पीयर के जैसा बाल कटवाने का कोशिश करते हैं, ऐसे पोशाक पहनना कई भी कोशिश करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, कभी कभी ये छात्र या बच्चा अपने माता पिता को फ़ोन या लैपटॉप आदि महंगे चीज़ें खरीदने के लिए मजबूर कर देता है, क्योंकि उनका दोस्तों के पास है और वहाँ उसमें व्हाट्सएप में मैसेज भेजना है या उसमें फेसबुक करना है, तो इसीलिए पिता माता भी मजबूर हो जाते हैं। तो तब क्या क्या किया जाए, बच्चा को क्या करना चाहिए और पिता माता को क्या करना चाहिए? हमको ये सोचना है, गलतियाँ करना गलत नहीं है, लेकिन गलतियाँ से कुछ ना सीखना बहुत गलत है। तो हम थोड़ा टिप्स जानेंगे, आप ऐसे यहाँ से कैसे छुटकारा पाएंगे। ये हम छात्रों के लिए बोल रहे हैं कि चाहे स्कूल का हो चाहे कॉलेज का हो, ये ज़्यादा दिखा जा रहा है आजकल। बच्चे बहुत जल्दी कॉलेज में ड्रग्स लेना शुरू कर दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ने ज़बरदस्ती किया, दोस्तों ने बोला कि साथ में नहीं बिठाएंगे या साथ में ग्रुप में नहीं जाएंगे, नहीं ले जाएंगे। तो इसलिए इससे बचना सीखे छात्रों के लिए पीयर प्रेशर निपटने के लिए क्या क्या तरीका हो सकता है। पहले तो एक आप मना करना सीखे, ट्राई टू से नो। यदि आपको ऐसे प्रतीत होता है कि आपके सहपाठी या सहकर्मी या आपका मित्र किसी ऐसे गतिविधियों में प्रेरित कर रहा है, आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है या आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप बिना डरे आप अपने मित्रों को ऐसे गतिविधियों के लिए मना करने सीखे। ये
बहुत आवश्यक है। बड़ों से बात करें यदि आप खुद मना नहीं कर पा रहे हैं लेकिन वो दबाव डालते जा रहे हैं, तो आप सब पहले माता पिता से बात करें। अगर माता पिता से भी खुल के आप बात नहीं कर पा रहे हैं, कभी कभी माता पिता से बात करने से वो आपको ही दोषी ठहराते हैं, तो आप शिक्षक से बात कीजिए, स्कूल का सलाहकार जो काउंसलर है उनसे बात कीजिए, या आपका कोई बड़ा भाई है या बड़ा बहन है उससे बात कीजिए। 3, नज़र अंदाज करना सीखे। आपको अपने दोस्तों के सभी गतिविधियों में शामिल होने का कोई आवश्यकता नहीं है, और जब अगर कोई हानिकारक गतिविधियां है तो आप शामिल हो गए, इससे बचने के लिए आप बेहतर उपाय है कि आप उसको अनदेखा करें। आप जैसे वो क्या कर रहे हैं आप देख ही नहीं रहे हैं, आप अगर देखने जाएंगे तो आपको मजबूर करेगा, आप मत देखिए उस तरफ। फिर 4 है, सही दोस्त चुने। यदि आपने किसी मित्रों के साथ सहज महसूस नहीं कर रहे हैं तो आपको ये सलाह है कि अपने मित्रों या सहपाठियों का चुनाव अपने अनुसार करना सीखें, जिनके साथ आप सुखद महसूस कर सकें। अभी हम आएंगे अभिभावक के लिए या माता पिता के लिए। आपको जब बच्चा कोई ऐसे नकारात्मक गतिविधियाँ से गुजर रहा है या मना दोस्तों को मना नहीं कर पा रहा है या आदत पड़ चुका है, तो आप इसको क्या करें? पहले आप बच्चों से बात करें। जब जब वो दोस्तों के चंगुल में फंस जाता है तब नहीं, उसका पहले से बात करना शुरू कीजिए। अपने बच्चों को खाली उपदेश मत दीजिए, आप बच्चों से बात करें। बात करना और आदेश देना अलग चीज़ होता है। आप उससे हर बात में शामिल करें, जीवन में सही निर्णय लेने में मदद कीजिए। बच्चों से दिनचर्या, स्कूल, मित्रों के बारे में रोज़ पूछें, जिससे वो आप हर चीज़ आपको बताने का कोशिश करेगा और उसका मन करेगा पापा मम्मी को सब कुछ बताए। फिर बच्चों को ना बोलना सिखाए, अपने बच्चों को ना बोलने भी सिखाए। उसे बताए कि उस दोस्त को खुश करने का हमेशा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक दोस्त अगर कोई गलत अभ्यास बना लिया है, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि और भी हमारे पास दोस्त नहीं होंगे, तो हमारे मन के हिसाब से हम दोस्ती बना सकते हैं। गलत आदतों के बारे में बताइए, पहले बताइए कि ये आदत में जैसे कोई मद्यपान कर रहा है, जो कोई स्मोकिंग कर रहा है, उससे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हमारे लिए क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकता है, इसको पहले से बताइए। ऐसे मत बताइए कि उस बच्चा को जानने का ज़रूरत नहीं है। बच्चों को जितना जल्दी आप बताएंगे उतना अच्छा ही है, वो वहाँ से दूर रहेगा। बच्चों को समझाइए कि सिगरेट पीने से क्या नुकसान होता है, शरीर के ऊपर क्या प्रभाव आता है, और अगर उसको पहले से बता दीजिए कि अभी कोई बच्चा अगर तुमको ये उकसाए सिगरेट पीने के लिए, तो आप इसको थोड़ा एवॉइड कर सकते हो, आप मुझे बता सकते हो, या ऐसे दोस्तों से थोड़ा दूर रहना अच्छा ही है। उनको बच्चों को विश्वास दिलाइए कि अपने बच्चे के हमेशा विश्वास दिलाइए कि आप उनके साथ हैं, अर्थात आप किसी भी परिस्थिति में आप अकेला नहीं छोड़ेंगे। ऐसे करने से वो आपको कोई बात छुपाएगा नहीं, और उससे उसका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। वो सोचेगा मेरे पीछे मेरा माता पिता है जो हमको हर मुसीबत से बचाएंगे, तो इसीलिए उसका भी थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और वो दूसरे दोस्तों को मना कर पाएगा। मुझे विश्वास है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो धन्यवाद।